ऑल सबसे मेजर इशू है बहुत सारी लड़कियों में. इनफैक्ट मैंने देखा बहुत सारे लड़कों को भी हेयर फॉल का इशू रहता है. अगर कभी कभी मौसम चेंज हो जाता है तब भी हम लोग को हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. कभी स्ट्रेस हो जाता है तब भी हेयर फॉल होता है. डैंड्रफ होता है तब भी हेयर फॉल होता है. मतलब बहुत सारे रीजन हो जाते हैं. और कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते, उसकी वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तो गाइज इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हेयर फॉल के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैं वो ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से वो वर्क कर रहे हैं मेरे लिए. अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. गाइज मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कुछ के टीम के प्रोडक्ट्स. तो मेरी फ्रेंड ने ना ये हेयर मास्क ट्राई किया हुआ था तो उसने मुझे बोला कि हेयर मास्क तो ट्राई करके देख, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी ब्रांड्स को भी ये टक्कर देता है, तो इसको ट्राई करके देख. हेयर बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और अनियन बेस्ड है तो तू ट्राई करके देख, देखो हेयर फॉल में शायद फर्क पड़ जाए. तो फिर जब मैंने अमेजोन पे देखा तो कोई इस पे पूरा हेयर का रेंज इन्होंने दे रखा है, अलग अलग हेयर के प्रोडक्ट्स हैं. तो गाइस सबसे पहले इसका मैंने मंगाया नेचुरल हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे और दूसरी चीज मैंने मंगाई है इसकी नेचुरल हेयर फॉल डिफेंस स्प्रे. ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या है मैं आपको पहले वन बाय वन बताऊंगी. तो गाइस सबसे पहले ये है के टीन का डिफेंस हेयर फॉल डिफेंस स्प्रे. इसमें है प्योर ऑर्गेनिक अनियन सीड एंड रेड अनियन जूस. आपको पता है अनियन जूस हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारी रूट्स तक जाता है वो और उसमें नई पेनिट्रेशन करके हमारे हेयर को यू नो ग्रो होने में हमें हेल्प करता है. ठीक है, तो ये आपने कैसे यूज करना है, अपना हेयर बाथ लेने के पहले भी आप इसको यूज कर सकते हो. जैसे कि अगर आपने हेयर बाथ नहीं लिया है तो आप जस्ट अपने ड्राई हेयर पे इसको लगा लीजिए. जैसे हम लोग नॉर्मल एक सीरम लगाते हैं ना, ये बस एक स्प्रे फॉर्म में एक सीरम है जिसको आप ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हो. ठीक है, आफ्टर हेयर बाथ और बिफोर हेयर बाथ भी आप लगा सकते हो और दिन में आप इसको दो बार भी लगा लीजिए. अगर आप यू नो अपनी स्टाइलिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग वगैरह करने लगे हैं, तब आप इसको ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो. और आपको मैं इसका और अच्छे से तरीका बताती हूँ. ये आपको करेगा क्या, पहले मैं आपको वो भी बता दूँ. प्रिवेंट करेगा आपके हेयर फॉल को तो करेगा ही, आपके हेयर के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा. और ये ना बिल्कुल ऐसे ऑयली ग्रीजी चिपचिपा नहीं है, हैवीनेस नहीं है, ये ऑयल की तरह बिल्कुल नहीं है. ये बिल्कुल सीरम है जो कि एक स्प्रे फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, इसमें आपको टू क्वांटिटीज मिलती हैं. मैंने तो पहले ये छोटा वाला ही मंगाया था, अभी मेरा ऑलरेडी मैं इतना सा ही रह गया हुआ है. और आप चाहे तो बड़ी वाली बॉटल भी ट्राई कर सकते हो. पहले आप स्मॉल ट्राई कीजिए उसके बाद आप बड़ी वाली ले सकते हो. ठीक है, और गाइस इसमें आपको कोई भी ना पैराबेंस मिलेंगे, इनके सारे ही प्रोडक्ट्स में कोई पैराबेंस नहीं है, सल्फेट्स नहीं है. आप इसको स्कैल्प पे लगाइए, आप स्कैल्प पे लगा के अच्छी तरह यू नो अच्छे से पार्टीशन कर करके आप इसको लगाइए और रात को सो जाइए. अगले दिन मॉर्निंग में उठ के अपना नॉर्मल सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ आप अपना हेड बाथ को ले लीजिए. आप एक तो इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, ये बिल्कुल एक अनियन जूस ही है आपके जो बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी करेगा, मैनेजेबल करेगा और आपके हेयर फॉल को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में हेल्प करता है. मुझे ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा है कि मैं अब इसका 200 ml का बॉटल लेने वाली हूँ डेफिनेटली. और गाइज सेकंड प्रोडक्ट इसका जो मैंने ट्राई किया और जो मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगी ये क्या चीज है, गाइज ये है केटिन का नेचुरल अनियन सीड एंड हेयर फॉल मास्क है ये. ठीक है, इसमें इन्होंने इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दे दूंगी आपको, स्क्रीन पर आ जाएगा. ये आपके हेयर फॉल पे बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है. आप इसको हफ्ते में एक बार दो बार लगा लीजिए या फिर जब भी आपको हेयर बाथ लेना है तब आप इसको ट्राई कर सकते हो. ठीक है, ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है. अब आप देख सकते हो ये मैंने काफी ज्यादा यूज कर लिया हुआ है, ये बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ है. और आप देख सकते हो इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये इन्होंने इसके अंदर कलौंजी डाली हुई है. कलौंजी जो होती है वो हमारे अनियन के सीड्स होते हैं. ठीक है, और ये इसका स्मेल भी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, कुछ केमिकल वाला स्मेल है या कुछ है ऐसा नहीं है, ना ही अनियन वाला स्मेल है, स्मेल भी अच्छा है. तो मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, अच्छे से इसको स्कैल्प पे लगाती हूँ अच्छे से और अपने बालों लंबे बालों पे भी लगा लेती हूँ हेड बाथ लेने से पहले. और आधा एक घंटा कम से कम इसको अपने हेयर पे लगाए रखती हूँ और उसके बाद एक नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से धो लेती हूँ. जिस दिन मैं इसको यूज करती हूँ फिर मैं उस दिन कंडीशनर नहीं लगाती हूँ. ठीक है, तो इसके साथ बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं, अच्छे बिल्कुल मास्क की तरह काम करता है. मुझे ये प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा अच्छा लगा है तो मुझे लगता है आप भी इसको ट्राई कर सकते हो. और इससे पहले ना मैं आपको सच्ची बताऊं हेयर के प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सारे तरह के यूज किए लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ. तो मैं क्या करती थी, जब भी मुझे वीडियोस बनाने होते थे तो मैं अपने बालों को ऐसे स्ट्रेट कर लेती, जस्ट सिरम लगाया और बालों को स्ट्रेट कर लिया. लेकिन मैं वो सबसे बड़ी गलती कर रही थी, उससे भी मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है. गाइज ये है नेचुरल हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे. अब मैं क्या करती हूँ,
इसको लगाती हूँ जब भी मुझे कुछ भी स्टाइलिंग करना है अपने बालों को। तो गाइज आपको मैं बोलूंगी, अगर आपको कभी भी अपने बालों को स्टाइलिंग करना है, अगर आप रोज स्ट्रेट करते हो, कर्ल करते हो, ठीक है, या फिर हेयर ड्रायर को भी यूज करते हो ना, तो मैं आपको बोलूंगी आप इसको जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। सबसे अच्छी बात एक तो ये है, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है सारे के सारे प्रोडक्ट्स। इनमें कोई भी केमिकल आपको नहीं मिलेगा, अल्कोहल बेस्ड ये बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो मोस्टली हेयर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें आपको अल्कोहल मिलता ही मिलता है, बिना अल्कोहल के प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है, ठीक है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल नेचुरल है। मुझे वाकई में इन प्रोडक्ट्स से ना बिल्कुल भी उम्मीद थी नहीं, लेकिन ये बहुत ही सरप्राइजिंगली मुझे अच्छे लगे, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी मेरी कोई भी फ्रेंड, मेरी कोई सब्सक्राइबर जिसको बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको हेल्प हो जाएगी। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हेयर फॉल का इश्यू बहुत ज्यादा है, तो आप भी इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इन प्रोडक्ट्स के जो भी लिंक्स हैं गाइस आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इनको चेकआउट कीजिए। इनके अलावा और भी इनकी बहुत सारी रेंज है, आप उनको भी ट्राई करके देख सकते हो आपके हेयर प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो गाइस ये तो था मेरा आज का रिव्यू वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।